कराची में तवज्जो का मरकज बनने वाला हलका एन ए 246। पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाने वाला लियारी भी इसी हलके का एक अहम इलाका है, जहां से पीपल्स पार्टी ने अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को मैदान में उतारा है। पीपल्स पार्टी जीत के लिए लियारी में कितना दम मार रही है, आइए देखते हैं WMC की इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता कई दिहाइयों से पीपल्स पार्टी का इंतखाबी गढ़ समझा जाने वाला लियारी आज तक अपने मसाइल के हल का मुंतजिर है। पीपल्स पार्टी ने इस दफ़ा यहां से अपने चेयरमैन को मैदान में उतारा है और उनका दावा है कि अगला वजीर आज़म लियारी से होगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो अपनी मां की तरह पहली दफ़ा यहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं। पहली दफ़ा शहीद बेनजीर भुट्टो ने डेब्यू अपना इलेक्शन का इस हलके से शुरू किया था। पीपल्स पार्टी ने ही लियारी में जितने काम करवाए हैं तो पीपल्स पार्टी ने करवाया। लियारी वालों को जो अपनाइयत है वो पीपल्स पार्टी में है, तो इसलिए पीपल्स पार्टी की कामयाबी यकीनी है। इस इलाके से कई बार कौमी और सूबाई असम्बली की नशस्तें जीतने वाली पीपल्स पार्टी यहाँ के मसाइल हल ना होने का जिम्मेदार बल्दियाती हुकूमत को करार दे रही है। देखो, वो तो जब से बल्दियाती सिस्टम आया है तो ये सारी चीज़ें कन्वर्ट हो गई बल्दियाती इदारों को। बहरहाल इस वक्त मैं MPA नहीं हूँ और सबके जो है पावर जो है इस वक्त जो है लैप्स कर दिए गए। इस वक्त निगरान हुकूमत है, सफाई सुथराई, और अभी यहाँ पर एक K-इलेक्ट्रिक की भी खुदाई आपने देखी होगी। ये ज़्यादातर K-इलेक्ट्रिक की है। सामने अगर आप यहाँ से आए होंगे तो नाले पर जो है वो K-इलेक्ट्रिक की वायरें लग रही है, सब K-इलेक्ट्रिक का है। अवामी शिकायत के बावजूद पीपल्स पार्टी को यकीन है कि अगला इलेक्शन वही जीतेगी। कराची में मुख्तलिफ सियासी जमातों की इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर है। आवाम से वादे और तब्दीली के दावे तो बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन जीतने वाले उम्मीदवार का असल इम्तिहान इलेक्शन के बाद शुरू होगा। कैमरा पर्सन रबिया एजाज के साथ अरीबा खान, WMC कराची।